वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है जुम्मा, जुम्मे के दिन हम ख़ास जगह जुम्मा अदा करेंगे। जुम्मा अदा करने के लिए सारी जगहें ख़ास होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सी मस्जिद है, हम अभी रिवील नहीं करेंगे, तो वहीं जाके आपको बताते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे। भाई साहब, जिस जगह जाना है ना, हमने वहाँ की लोकेशन निकाली नहीं, हम इतना नूब है और लाइट चली गई है, डेटा हमारे पास होता नहीं है, हम गरीब इंसान है। तो आज भरपूर दोस्ती का फ़ायदा उठाया है और दोस्त के घर के नीचे खड़ा हूँ, उसका वाईफाई इत्तेफाक से कनेक्ट हो गया, उसकी लाइट नहीं गई हुई दूसरे फेस से उसकी, तो फिर अब मिलते हैं उस लोकेशन पे जाके। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी अराइव दिस लोकेशन। ये है तोबा मस्जिद, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन कराची। और इस मस्जिद की खासियत ये है कि यार, यहाँ पे इस मस्जिद के टॉम वन टॉम है और कोई पिलर नहीं है, ये खासियत है। और 5,000 से ज़ायद जो है अफराद इस मस्जिद के टॉम के नीचे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये पीछे वज़ू एरिया है, ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, जमात का टाइम तो खैर अभी है, लेकिन मस्जिद में व्लॉगिंग हम थोड़ी कम करेंगे। बस ये छोटा सा एक रिव्यू बनाएंगे आपके लिए कि एक अच्छी मस्जिद है कराची के अंदर, यहाँ पे आएँ, एक्सप्लोर करें। और आज का जुम्मा हमारा यहाँ अदा होगा, ये हमारी रिवील वाली जगह थी, तो थोड़े बहुत फुटेजेस में आगे पीछे के दिखाता हूँ आपको। ये मस्जिद का टॉम है, ये हम बाहर की साइड आ चुके हैं, ये मस्जिद का टॉम आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है ये मीनार है। ये एक अंकल जा रहे हैं, देखते हुए बड़े गौर से क्या कर रहा है लड़का। तो चारों तरफ का हम रिव्यू दे देते हैं आपको। ये मीनार ही तरह से है। और अब दूसरी साइड पे जा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड पे उसकी, तो फिर देखते हैं बाकी ये क्या सीन है वहाँ पे। गार्डन है, काफ़ी हरियाली यहाँ पे है और एक पीसफुल मतलब जगह है। मस्जिद तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ ज़्यादा कारीगरों ने अच्छा काम किया हुआ है। 1969 में ये तामीर हुई थी, और इस तामीर के बाद जो है केयर टेकर ने काफ़ी हिफाजत की इस मस्जिद की, जो कि एक नमूना हमारे सामने खूबसूरती का। चारों से तरफ से एतराफ से ग्रीनरी ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सबसे एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपने मेंटेन जगह को अच्छा किया हुआ है। वज़ू एरिया आपको दिख रहा होगा पीछे, लोग आने शुरू हो गए हैं, तो हम छुपते छुपाते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वैसे तो नहीं है, कि कहते हैं नहीं करना चाहिए मस्जिद के एहतराम में, लेकिन हम मस्जिद से बाहर हैं गार्डन वाले एरिया में। मैं अंदर गया तो अंदर मुझे मुनासिब नहीं लगा ज़्यादा बात करना, मैं गार्डन वाले एरिया में हूँ। बस जमात का टाइम होना शुरू होने लगा है, लोग आने लग गए हैं, कुछ वज़ू खाने में और कुछ जो है अंदर बैठे हैं मस्जिद में। तो एक ये छोटा सा रिव्यू है आप लोगों के लिए इस मस्जिद का। जुम्मा हमारा ख़ास जुम्मा होगा यहाँ पर अदा करेंगे हम अपना, क्योंकि काफ़ी हम इस मस्जिद के लिए हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हैं, तो सवाब उतने ही बढ़ जाते हैं कि आप अगर नमाज अदा करने के लिए दूर जगह पे जाते हो तो। ये सीमेंट की जालियों वाली साइड है जो बाहर से हम लोग देख रहे थे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये अंदर से लोग कुछ इस तरह का बहुत बेहद खूबसूरती है। खूबसूरती के आगे मतलब खूबसूरती ब्यूटी, माशाल्लाह। और बाकी रिव्यू देते हैं आपको छोटी छोटी सी जगहों पर। यहाँ से जो है व्हीलचेयर का रास्ता दिया हुआ है इन्होंने, स्लोप बनाया हुआ है कि जो बूढ़े हजरात हैं जो व्हीलचेयर पर आते हैं वो आराम से आ सकें मस्जिद में। और ये दूसरा गेट है, मेन गेट जो है ना वज़ू खाने की तरफ है। भाई धूप इतनी है ना कि फ़र्श पे पैर जल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुर्बान है, और ख़ास करके इस मस्जिद के लिए सब कुर्बान है भाई, पैर जल रहे हैं। और मैं तभी घास पर बार बार आके खड़ा हो रहा हूँ, पैर मेरे लिटरली ऐसा जल रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है किसी ने आग लगाई हुई है। और घास जो है थोड़ी मतलब नॉर्मल है, वज़ू का टाइम कर हो रहा है, अब जो है नमाज का टाइम करीब है, बस हम वज़ू कर लेते हैं, लोग आने शुरू हो गए, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या पागल है नमाज के टाइम पे क्या कर रहा है, तो अपना वज़ू कर लेते हैं हम, और बाकी के फिर जो है नमाज के बाद फिर बात करते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा अदा कर लिया है, और एक बड़े अफसोसनाक बात यह है कि हमने जब पॉकेट में हाथ डाला, भाई पॉकेट में माइक का वायर ही शॉर्ट था। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है एक ब्लॉगर के साथ, ये नॉर्मली कोई बात बड़ी बात नहीं। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारी माइक की वायर मिल गई है। मैं मस्जिद के रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे चढ़ा हुआ था, गुम्बद मीनार के साइड पे ना, वहाँ शायद अलाउ नहीं है, ताला लगा हुआ था, लेकिन हम भी कोने खांचे से घुस गए इलीगल तरीके से, सिर्फ आपके लिए।
और जब हम वहाँ ऊपर चढ़े वापसी आए नीचे, तो एक अंकल बोल रहे हैं बेटा इधर आओ बेटा इधर आओ। तो मैंने बोला लग गए भाई आज तो लग गई रेड़ लग गई, ठीक ठाक सुनने को मिल जाएगी मस्जिद के अंदर वो भी। तो फिर अंकल ने बुलाया बोल रहे हैं आपकी कोई चीज़ खोई है? मैंने बोला जी अंकल मेरी एक वायर खोई है, ब्लैक और वाइट कलर की है, आगे से वाइट कनेक्टर लगा हुआ है और पीछे से ब्लैक है। तो अंकल ने बोला ये तो नहीं है मेरी। तो यकीन जाने वो अंकल ने वायर दिखाई है, मेरी जान में जान आ गई और मैं इतना खुश, मैंने अंकल को गले लगा और मैंने अंकल को बोला अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन दफ़ा गले मिल लिया, एक होते ना ईद के तीन गले, वो भी नहीं भाई तीन चार दफ़ा मिल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वायर मिल गई है तो जान में जान आ गई, वरना उम्मीद टूट गई थी। मैं घर जा रहा था, तीन चार चक्कर मैंने इस मस्जिद के राउंड लगा लिए थे, इतनी बड़ी मस्जिद है, जहाँ जहाँ मैंने लास्ट फुटेज देखी मैंने कहाँ रिकॉर्ड की थी वहाँ तक मैं चला गया, लेकिन भाई वो वायर नहीं मिली। मैंने मस्जिद के खादिम होते हैं, मैंने उनसे भी बोल दिया, मैंने बोला आपको कोई वायर मिली है तो दे दिएगा मुझे। उन्होंने बोला बेटा अभी तक तो कोई मिली नहीं, आप गार्ड से जाके पूछिए। मैं गार्ड की तरफ आया, अंकल ने बोला नहीं बेटा यहाँ तो कोई वायर नहीं है। तो फिर मैं दिल बर्दाश्त होने के बाद फिर मैंने निकला एक और राउंड पे, फिर मैंने ढूंढी नहीं मिली। लेकिन जब मैं वापसी आ रहा तो इन दी एंड अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वायर मिल गई है, हम एक बड़े फटके से बच गए। खैर इतना तो चलता रहता है, लेकिन वायर मिल गई है। तो यहाँ से हंसी खुशी निकलते हैं, अब मूड बहुत अच्छा हो गया, वरना मूड मैं डाउन हो गया था बिल्कुल ही, मूड काफ़ी एक्सेलरेट हो गया अपना। और अब यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में कोई बिरयानी वाला दिख गया तो ठीक है, या कोई मशरूबात वाला, वरना तो फिर हम जाएंगे घर पे, क्योंकि अब जो है गया काफ़ी टाइम ज़्यादा और अपने दो तीन काम भी हैं वो भी निपटाने। तो फिर मिलते हैं मस्जिद के बाहर। भाई ये बिरयानी हमने ख़रीद ली थी और वहाँ पे जगह जो है मुनासिब नहीं थी, जुम्मा बिरयानी बड़ी मशहूर है उसी से लेके आया हूँ। खैर मैं लेट पहुँचा था और बिरयानी में बोटियाँ ख़त्म हो गई थी, तो हमारे हिस्से में ही आया, तो मैंने माले गनीमत समझ के यही मैंने बोला भाई पैक कर दे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज तक का ब्लॉग हमारा बिरयानी पे रहा और बिरयानी खाएंगे सुकून से। यहाँ तक का ब्लॉग आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।